आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है एक स्पेशल दिन जो कि मैं सुबह बिल्कुल भी भूल गई थी, और ऑफिस जाने के बाद मुझे याद आया, और फिर मैंने सोचा कि ऑफिस से कॉल करके क्या विश करना, घर आके विश करेंगे। तो आज है मेरे भाई की वेडिंग एनिवर्सरी, और अभी तक मैंने उन लोगों को विश नहीं किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, और फिर अमित को और नेहा को विश करती हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ मिठाई, और मिठाई के साथ मुंह मीठा करते हुए विश करेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ। तो ऑफिस से आने के बाद मैंने अभी तक अपना जो सामान है वो रखा भी नहीं है। तो ये है मिठाई, इसको लगा लेते हैं हम ट्रे में, और उसके बाद विश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। लो 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 लो, खाओ भाई। मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो पहले नेहा को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। लो एक एक गास और खाओ। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, मेरी तरफ से तुम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और विशेज। तुम लोगों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। बस इतना सा। तो आज नेहा और अमित की शादी को हो गए 2 साल, और 2 साल में एक गिफ्ट मिला है, ताशी। आमा छोरा बुआरी की शादी की सालगिरह आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खाओ खाओ, अले आशीर्वाद दी मुला नहीं माता। ताशु लो मम्मी पापा की शादी की सालगिरह की खुशी में। लो 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 लो, खाओ खाओ, मम्मी पापा की शादी की सालगिरह की खुशी में खाओ बेटा। छोनी ताशी, ऐसे हाथ खाने में बिजी हो रखी है। वो क्या प्रोग्राम है? शाम को प्रोग्राम शाम को प्रोग्राम ये है कि हम लोग केक काटेंगे, उसके बाद स्टीमर वगैरह खाएंगे, चौन वगैरह खाएंगे। और नया तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सेम। तो फ्रेंड्स, मेरा भी एक प्रोग्राम है, देखती हूँ कि ये लोग क्या बोलते हैं। मेरा प्रोग्राम ये है कि शाम को डिनर बाहर रेस्टोरेंट में भाई, और बाहर कहाँ। तो क्या नाम है? बाहर मैं सोच रही हूँ कि इधर चलते हैं, नंदा की चौकी की तरफ। दुकान जल्दी बढ़ा लो और फिर चलते हैं। दुकान जल्दी बढ़ा लो और खाना खाने के टाइम 8 बजे करीब चलते हैं। तो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। लात मारी मुझे है, पास में आई तो लात मारी है। हाँ, इसका रंग भी साफ हो रहा और चेहरा भी चेंज हो रहा, मतलब पहले बनावट कुछ और थी, अभी कुछ और है। तो अमित बना रहा है अपने रेस्टोरेंट के लिए मोमो, यहाँ पे नेहा जो है वो हेल्प कर रही है, और हम माता श्री जो है वो बाबू को घुमा रही है। शाम को हम सोच रहे हैं कि खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि नेहा के साथ अभी तक हम लोग बाहर गए नहीं कहीं खाने के लिए। जा नहीं, आप भी चलोगे? यही रेस्टोरेंट में जाएंगे, प्रेमनगर से नीचे। अरे अपना यहाँ कहाँ, यहाँ तो खाना बनता ही नहीं है। 1000 years later। तो ऑफिस आने के बाद मैं सो गई थी, और अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, और आज हमारा प्लान हो रहा है कि रात का खाना कहीं बाहर खाने जाएं। तो अभी विशाल जो है वो भी घर आ रहा है, तो फिर हम सब जो हैं बाहर जाएंगे। क्लास पर बड़ी लोगों के लिए मैंने खाना बना दिया है, बस इनको खाना वाना खिला के, और अमित जो है वो भी अपना रेस्टोरेंट जो है वो टाइम से उड़ा लेगा। तो मेरे भाग्यमानी। तो बच्चे लोग भी आ गए हैं, और अब करेंगे बाहर जाने की तैयारी। तो थोड़ी देर बच्चे लोग आराम कर लेंगे, और उसके बाद जाएंगे बाहर। तो दोस्तों, नेहा और अमित की शादी की सालगिरह का केक काट रहे हैं हम लोग। तो आ जाइए, आप लोग भी शामिल हो जाए हमारे साथ।
ओले बाबू ने रोना शुरू कर दिया। चलो भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, तुम्हारी जोड़ी हमेशा इसी तरह बनी रहे, सालों साल बुढ़े हो जाओ तुम लोग ऐसे के करते करते, खुश रहो हमेशा। मुझे नहीं खाने को मिला बोल के रो रही है। तो दोस्तों हम लोग हो गए तैयार और इस वक्त बज गए 9, तो अब चलते हैं और मिलती हूँ आप लोगों को जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँच। तो दोस्तों चलते हैं अंदर, चले फ्रेंड्स बैठते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों हमारा खाना आ चुका है और हमने ऑर्डर किया है ये अमित की पसंद से दाल मखनी और पनीर दो प्याज़ा और साथ में बटर नान। तो दोस्तों आ जाओ आप लोग भी खाना खा लीजिए हमारे साथ। बज रहे हैं 11:15, तो अब मुझे तो आ रही है बहुत ज़्यादा नींद और बस अब हम लोग फटाफट चेंज वगैरह करके सो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग, शायद थोड़ा छोटा होगा लेकिन जैसा भी होगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए व्लॉग में एक नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।